गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर भजन लाल। आज हम स्टेप बाय स्टेप बुक के पेज नंबर 17 को कंप्लीट करेंगे। 17 पेज है कंपोजिशन विद वर्ड, ड्रॉ एंड कलर कंपोजिशन ऑफ वर्ड ऑफ योर चॉइस। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने दो तरह के पक्षी हैं, इन दोनों में से आपने जो स्पेस प्रोवाइड है हमारे पास, इसमें से एक बनाना है। आपके पास चॉइस है एनी वन, यहाँ पे आपने ड्रॉ करना है और उसके अंदर अच्छी सी कलरिंग करनी है। तो आइए सबसे पहले हम इनमें से इनको सीखते हैं। पहले हम दोनों बनाना सीखेंगे, आपने एक ही बनाना है। जैसे यहाँ पे जो आउल बना है, इसकी अगर हम देखें फर्स्ट स्टेप में हम एक बार रफली लाइट पेंसिल से इसको ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और अब स्टेप टू में जो डिटेल है, जैसे ये है, पेंसिल बिल्कुल लाइट चलाएंगे क्योंकि अगर मिस्टेक होगी तो इरेज हो सकती। ये देखिए, पहले हम रफली बना लेंगे इसको। ये रफली बन चुका है हमारा। और अब बनाएंगे ये जो पक्षी है, इसके लिए फर्स्ट स्टेप है जो ये है। ये देखिए कितना इजी है इसे बनाना। ये देखिए, पहले हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। और अब ये दोनों ड्रॉ हो चुके हैं, देखिए। और अब हमने करनी है इनमें कलरिंग। आपके पास जो बुक है, बुक में आपने कोई भी एक पक्षी यहाँ पे बनाना है। ये देखिए पक्षी हमारा बन चुका है, अब करेंगे इसमें कलरिंग। और जैसे मैंने ये पक्षी बनाया है तो इसमें कलर इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। कलर के लिए आप कलर यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल कलर, क्रियोन कलर, ऑयल पेस्टल, जो भी आप कलर यूज़ कर सकते हैं। तो आइए करते हैं इसमें कलरिंग। सबसे पहले मैं यहाँ पे येलो कलर करता हूँ। ये देखिए कितना इजी है कलर करना यहाँ पे। इसको थोड़ा डार्क येलो करेंगे क्योंकि इसकी बैकग्राउंड में भी येलो है ना, तो बैकग्राउंड में हम लाइट येलो। अब हल्का सा ब्लैक यहाँ शेड करेंगे। ठीक है, अब बारी है ऑरेंज की, कि लेग में ऑरेंज कलर। ये भी हो चुका है। तो अब हम बनाते हैं नीचे वाटर। वाटर के लिए सबसे पहले हम लेते हैं डार्क ब्लू। डार्क ब्लू के बाद लाइट ब्लू। ये हो चुका है। इसके बाद ये जो शेड है बैकग्राउंड में ग्रीन की, हल्का हल्का हम ग्रीन शेड देंगे।
और अब जो हमारे पास येलो कलर है, येलो कलर बैकग्राउंड में ये देखिए कितने इजी मेथड से आज हमने सीखा पक्षियों को बनाना और उसमें कलर करना। आई होप आप सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो चुका है ड्राइंग एंड कलरिंग। तो सारे बच्चे पेज नंबर 17 को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।